सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं द न्यू एयरशिप मैप के ऑल टास्क का गाइड। जी हां गाइस, आपने सही सुना, जो जो टास्क द न्यू एयरशिप मैप में बिल्कुल नया है, जो आपने अपनी पूरी लाइफ में अमंग अस गेम के अंदर नहीं देखे हैं, भाई उनका गाइड मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि भाई इस वाले एयरशिप मैप में ना आपको ऐसे ऐसे टास्क देखने को मिले हैं, अगर आप वो करने जाओगे ना तो भाई आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जी हाँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क दे दिए गए हैं, और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो भाई आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा टास्क कंप्लीट करना, और अगर आप क्रूमेट बनोगे तो 100% आप हार जाओगे। तो भाई अगर आप ये वीडियो पूरी देखने वाले हो तो आपका स्वागत है इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, जो कि अभी तक पूरे होल यूट्यूब पर नहीं आई है। क्योंकि भाई ये वाली वीडियो देखने के बाद ना आप द न्यू एयरशिप मैप के एक्सपर्ट बन जाओगे, और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से नए टास्क आने वाले हैं द न्यू एयरशिप मैप में, एंड उन्हें कैसे कंप्लीट करना है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोर देन 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 1, 2, 3 हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड गाइस चलो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस टास्क नंबर 1 निकल के आता है डिकॉन्टेमिनेट। एंड गाइस इसमें सिर्फ आपको ये जो परसेंटेज है 0 होने का इंतजार करना है, एंड आपका टास्क सिंपल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के टास्क 2 के बारे में, जो कि पॉलिश रूबी। इसमें आपको सिंपल रूबी पर जहाँ पर आपको गंदा दिख रहा है वहाँ से सिंपल पॉलिश करना है, एंड गाइस आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस थर्ड टास्क निकल के आता है पुट अवे राइफल्स। आपको इसमें सिंपल राइफल्स को एक जगह पर रखना होता है, जैसे यहाँ पर मैंने राइफल्स को जो आपको ये दिख रहा है ना बना हुआ, इस पर आपको सिंपल पुट कर देना है। एंड गाइस ऐसे कर करके आपको दोनों राइफल पुट करनी है, एंड गाइस आपका टास्क जो है सिंपल कंप्लीट हो जाएगा। गाइस लेकिन आगे बहुत हार्ड टास्क आने वाले हैं, एंड गाइस इस वाले टास्क का नाम है पुट अवे पिस्तौल्स। इसमें वही वे है, आपको पिस्तौल्स पुट करनी है। अभी तो भाई बहुत ईजी टास्क आ रहे हैं। ये फिफ्थ टास्क का नाम है स्टेबलाइज स्टेयरिंग। आपको ये स्टेयरिंग सीधा करना है, एंड गाइस देखो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ स्टेयरिंग, ये मैंने सीधा किया। एंड गाइस अब ये जो आपको दिख रही है ना, इसे हिलाते रहना, एंड गाइस आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस अब जल्दी से बात करते हैं सिक्स टास्क के बारे में, जो कि है रिकॉर्ड्स में। एंड गाइस ये लॉन्ग टास्क में आने वाला है, मैं आपको बता दूँ ये सबसे लंबा टास्क होगा। इसका नाम है शॉर्ट रिकॉर्ड्स। एंड गाइस इसमें आपको एक एक बुक उठानी है टेबल पे से, और जहाँ पर ये एरो कर रहा है ना वहाँ पर जाके क्लिक कर देना है जो जगह खाली है, और वो जैसे ही फिल होगी आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ से टेबल पे से बुक उठाई, एंड गाइस उसे अब मैंने सेफ वगैरह में फाइलों में रख दिया है, बस हमें यही करना है। एंड भाई ये लंबा टास्क है बहुत ज़्यादा। सो गाइस ऐसे कर करके आपको ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर देना है। अभी तो गाइस बहुत ईजी टास्क आ रहे हैं, लेकिन हार्ड टास्क आने वाले हैं, भाई वीडियो पूरी देख लेना। इस टास्क का नाम है सेवन टास्क का नाम है क्लीन टॉयलेट। इसमें आपको टॉयलेट क्लीन करना है, जब तक कि भाई ये क्लीन नहीं हो जाता है आपको उस पर टैप करते रहना है। एंड गाइस एट टास्क का नाम है रीसेट ब्रेकर्स। एंड गाइस इसमें आपको जो ब्रेकर्स है वो नीचे करने हैं सिर्फ। हाँ मुझे पता है ये उसमें भी आए, लेकिन भाई इसमें एनिमेशन चेंज कर दिया गया है सबसे बड़ी बात, और उसमें आपको पूरे 7 ब्रेकर्स रीसेट करने होते हैं। एंड गाइस ये मुझे बहुत मस्त टास्क लगा है, ये है ड्रेस मैनिक्यून। एंड गाइस इसमें जो आपको ऊपर दिख रही है ना फोटो, उसकी तरह इसका लुक देना है। एंड गाइस आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को इसमें परेशानी होती, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं होती। एंड गाइस ये वाले टास्क का नाम है अपलोड डेटा। मुझे पता ही आ चुका है, लेकिन यार देखो ये थोड़ा अलग है, इसमें हमें नेटवर्क फाइंड करना होता है, एंड जैसे अच्छा नेटवर्क मिलता है हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है। एंड गाइस ये वाला बहुत हार्ड टास्क है, ध्यान से देखना। ये फोटो लेके हमें रखने हैं इस पानी के अंदर। एंड गाइस इस वाले टास्क का नाम बता देता हूँ, डेवलप फोटो नाम है। एंड ये सारे फोटो आपको रख देना है पानी के अंदर। एंड गाइस फिर इसे हमें कैंसिल कर देना है, फिर यूज पर क्लिक करना है। एंड गाइस हमें दोबारा से इसे कैंसिल कर देना है, हमें बार बार यही करना है, कैंसिल करना है, दोबारा ओपन करना है यूज़ पे। एंड गाइस फिर कैंसिल कर देना है, फिर हमें वहीं जाना है, फिर यूज़ पर क्लिक करना है, एंड फिर से कैंसिल कर देना है। एंड गाइस हम फिर से जाएंगे, फिर से यूज़ पर क्लिक करेंगे। ये अजीब सा टास्क है, आपसे भाई नहीं होता 100% गारंटी। एंड गाइस अपने आप वो कंप्लीट हो गया। एंड गाइस अब आगे आने वाला टास्क है अनलॉक सेफ। एंड गाइस इसमें हमें क्या करना है, जो एरो दिख रहे हैं ना इस साइड वाला हमें घुमाना है, ठीक है। ये देखो 1 टाइम घुमाना है इस साइड वाला, 3 टाइम्स उस साइड वाला, ऐसे करके ये जो गिनती के नीचे एरो दिख रहे हैं
इस साइड वाला हमें उतनी साइड घुमाना है। ओके, तो भाई देखो ये जो आपको सेफ का लॉकर दिख रहा है, हमें ऐसे कर करके भाई इसे सॉल्व करना है। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा जब आप करोगे। ज़्यादा वैसे टास्क नहीं है, एरो दे दिया गया है, उस साइड वाला हमें घुमाना है, ठीक है, और टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इस पर अगर आप वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो मैं बना दूंगा। एंड गाइस ये वाला टास्क बहुत सही टास्क है, इसमें हमें सिंबल याद करने हैं। एंड गाइस देखो ये वाले सिंबल्स हैं, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये एक कोड है, आपको कहीं जाके लगाना है। जैसे आप सिंबल याद कर लोगे आपको इसे हटाना है। एंड गाइस जहाँ पर कोड लिखा रहेगा वहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर एंटर कोड करना है, वही वाले सिंबल्स यहाँ पर आपको लगा देने हैं। एंड गाइस ये वाला टास्क आपका बिल्कुल नया है, मैं जितने भी टास्क बताऊंगा ना सारे नए टास्क हैं, वो सारे ही बता रहा हूँ मैं आपको। एंड गाइस इस वाले टास्क का नाम है रिवाइंड टैप्स। एंड गाइस मैं पिछले टास्क का नाम बताना भूल गया, उसका नाम है स्टार्ट फैंस, उसमें फैन स्टार्ट कर देते हैं सिंबल लगा के। एंड इस वाले टास्क में आपको जो ऊपर टाइम दिख रहा है ना वही नीचे लगा देना है सेम टू सेम, यहाँ टास्क कम्प्लीट हो जाएगा आपका। एंड गाइस इसके बाद जो टास्क है ये है आपका एमपीटी गार्बेज, इसमें हमें कूड़ा करकट निकाल के फेंकना है, सिंपल टास्क है। गाइस ये है लास्ट टास्क जो बिल्कुल नया है, एंटर आईडी कोड, इसमें जो आपको आईडी कोड दिख रहा है वो लगाना है। एंड गाइस आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस ये थे नए टास्क जो द न्यू एयरशिप मैप में एक्सक्लूसिवली आने वाले हैं, जो कि भाई आपको किसी और मैप में नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ द न्यू एयरशिप मैप में देखने को मिलेंगे। एंड गाइस मैंने आपको बता दिया है कि आप इन्हें कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि भाई जब आप पहली बार खेलोगे ना आपको कुछ भी नहीं आने वाला है समझ में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मुझे भी नहीं आए थे समझ में, लेकिन फिर मैंने जैसे समझा भाई मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं नहीं चाहता था आपको ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी कि द न्यू एयरशिप मैप के जितने भी ए टू जेड न्यू टास्क हैं वो सारे आपको आ जाएं। एंड गाइस आपको अब आ भी गए होंगे। सो गाइस आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि ये जैसी मैंने वीडियो बनाई है ना ऐसी वीडियो पूरे होल यूट्यूब पर आप देख लेना, कहीं नहीं मिलेगी। एंड गाइस अगर आप पता लगाना चाहते हो कि द न्यू एयरशिप मैप की रिलीज डेट क्या है, द न्यू एयरशिप मैप कब रिलीज़ होगा, पहले किस पर रिलीज़ होगा, एंड्रॉयड पे, iOS पे, PC पर, स्विच पे, तो भाई मेरा चैनल चेकआउट करो, उसमें मैंने आपको बताया कि द न्यू एयरशिप मैप कब रिलीज़ होगा, पहले किस पर रिलीज़ होगा, बाद में किस पर रिलीज़ होगा। एंड गाइस जो इन्फॉर्मेशन है ना अगर वो आपने देख ली तो भाई आप खुद कहोगे कि भाई ऑनिक्स क्या कमाल कर रखा है तूने अपने चैनल पे, अभी सब्सक्राइब मारता हूँ। आप भाई सब्सक्राइब मारने पर मजबूर जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। मुझे गाइस पता है मैंने बहुत जल्दी बनाई है वीडियो, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि भाई आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि द न्यू एयरशिप मैप रिलीज होने वाला है और मैं अगर इसमें और डिटेल डालता आप ज़्यादा बोर हो जाते, इसलिए मैंने आपको जल्दी बता दिया। एंड गाइस आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा द न्यू एयरशिप मैप में कितने टास्क हैं। इसमें टोटल 16 टास्क हैं जो बिल्कुल नए आए हैं इसके अंदर। एंड गाइस आपको मैंने बता भी दिया है, फुल गाइड दिया है, तो भाई इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए ऑनिक्स प्लेज़।